चाला खुड़ा के एक और वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग एक कुडुक कहानी पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है अमके तेंगा अलखोर, यानी कि इसका मतलब क्या होता है कि किसी को मत बताना, अगर कोई सुन लेगा तो फिर वो हंसेगा। और इसके राइटर कौन है? इसके राइटर है सय महली लिवनस तिर्की जी। तो इस कहानी में सय महली लिवनस तिर्की अपने जीवन काल का कुछ घटना को बताते हैं, और ये कब का कहानी है वो भी ये बता रहे हैं। इन दिल्ली शहर बरा लेकिन आबिरिंता कत्था तली, तो वो जब दिल्ली शहर जा रहे थे उस समय का ये कहानी है। और इसमें बहुत सारा छोटा छोटा भाग दिया हुआ है अपने जीवन काल का, उन्होंने बताया है, जो कि एक मजाकिया टाइप का है, एक चुटकुल्ला टाइप का है, जिसको सुन के आप लोगों को हंसी आएगा, लेकिन आप लोगों को हंसना नहीं है क्योंकि टाइटल में ही राइटर ने बोल दिया है कि अमके तेंगा अलखोर, किसी को नहीं बताना है क्योंकि लोग सुनेंगे तो हंसेंगे। तो इस कहानी को हम लोग पढ़ रहे हैं, तो ये पूरा कुडुक कहानी को हम लोग एकदम डिटेल से लाइन बाय लाइन इसका व्याख्या करेंगे, इसको समझेंगे। तो आप लोग कुडुक सीखना चाहते हैं तो आप लोग ये वीडियो देख सकते हैं, आप लोगों के लिए कुडुक सीखने के लिए काफ़ी मददगार होगा। साथ ही साथ अगर आप लोग 10th या 12th लेवल का कोई भी प्रतियोगिता परीक्षा का तैयारी कर रहे हैं, जिसमें अगर आप लोगों ने क्षेत्रीय भाषा कुडुक रखा हुआ है, तो आप लोगों के लिए वीडियो लाभदायक होगा। तो अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी के अभी सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक करना नहीं भूलिएगा। तो चलिए हम लोग कहानी को आगे बढ़ाते हैं। गाड़ी सगड़ कहीं बिगड़ार ना करने गुमला शहर अड़सनुम अड़सनुम लोहाड़ी मन जाकेरा। तो अब वो बता रहे हैं कि उनका गाड़ी खराब हो गया था, तो गाड़ी खराब हो गया था तो गुमला शहर पहुंचते पहुंचते क्या हो गया, लोहाड़ी मंजा किरा। लोहाड़ी मंजा किरा मतलब क्या होगा कि लोहाड़ी का मतलब होता है दोपहर का खाना खाने का समय, यानी कि दोपहर का समय हो गया, खाना खाने का समय हो गया। उनका गुमला शहर पहुंचते पहुंचते लेट हो गया उनको, क्यों हुआ, क्योंकि उनका गाड़ी रास्ता में खराब हो गया था। सगड़ मतलब रास्ता या फिर सड़क। कीड़ा हूँ लग्गा लग गया, तो अब दोपहर का खाना खाने का समय हो गया तो अब उनको भूख भी लग रहा था। कीड़ा मतलब भूख, तो कीड़ा हूँ लग्गा लग गया यानी कि उनको भूख भी लग रहा था। गाड़ी पे इतर एन मंडी ओनागे होटल कोरचकन, तो अब उनको भूख लग रहा था तो गुमला शहर वो पहुंच चुके थे। तो अब गाड़ी से उतर के वो क्या करते हैं, होटल में जाते हैं खाना खाने के लिए। गाड़ी पे इतर एन मंडी ओनागे होटल कोरचकन, वो बता रहे हैं कि गाड़ी से उतर के वो खाना खाने के लिए होटल में घुस गए। मूंद नू कुडुक पिल्लर हूँ आ होटल नू मंडी ओना कोरचर, और उनसे पहले उसी होटल में कुछ लड़कियां, कुडुक पिल्लर यानी कि उड़ाव लड़कियां, उसी होटल में खाना खाने के लिए घुसी हुई थी, घुसे हुए थे, है ना। मंडी ओंडका होखा उन्टे पिल्लो होटल उर्वस गे मंडी गई दाम चिया किरा। अब खाना खा ली लड़की लोग, अब खाना खा ली वो लोग, बहुत सारी दोस्त लोग भी थी होंगी, तो उनमें से एक लड़की उठती है और वहाँ का जो मालिक था, होटल का जो मालिक था वहाँ पे बैठा था होगा, तो उसके पास जाके जो भी वो लोग खाए थे उसका पैसा देने के लिए जाती है। एड़ न पिल्लर आसानुम इचकर रचर, और वहीं पे दो लड़कियाँ खड़ी थी। एड़ मतलब दो होता है कुडुक में, तो दो लड़कियाँ वहीं पे खड़ी थी। औंदा नुम उन्टा पिल्लो वाचा, अब दो लड़कियां खड़ी थी तो उसमें से एक लड़की, है ना, पिल्लो मतलब लड़की, तो औंदा नुम उन्टे पिल्लो वाचा, तो उन दोनों में से एक लड़की बोलती है, क्या बोलती है, काइन को उंडका संजगिन नोड़ेन चियन धिन धिन रा संजगी दाव मलेथरा लगी। तो अब वो क्या बोलती है, अपनी दोस्त को बोल रही है, काइन को ए, उसको बोल रही है कि अच्छा हम जाते हैं, जो हम लोग खाए हैं उसका जो प्लेट वगैरह है, जो भी सामान है खाया हुआ, उसको जाके हम धो देते हैं। धिन धन रा संजगी दाव मलेथरा लगी, वो बोल रही है कि यहाँ पे पड़ा पड़ा जो खाने खाए थे हम लोग, गंदा हुआ है तो वो अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है। तो अब वो लोग गांव से आई थी, कुडुक लड़की लोग थी, उरांव लड़की लोग थी, पहले शायद होटल में वो लोग नहीं खाई थी होंगी, तो उनको ये नहीं पता था कि होटल में खा के बर्तन को वैसे ही छोड़ दिया जाता है, और वहाँ के जो ओनर हैं या फिर वहाँ पे जो काम करने वाले लोग हैं वही लोग प्लेट कटोरा को धोते हैं। तो ये सारा बात उन लड़कियों को नहीं पता था, इसीलिए एक लड़की बोलती है कि ठीक है हम जाते हैं, जो भी हम लोग खाना पीना खाए हैं उसका जो बर्तन है उसको जाके हम धो देते हैं। एन ने मिनर एन अदिन तिंकन,
होटल नू मंडी उंडका संजगिन मलनोडनर मलनोडनर सीनर इंदरगे का नाम अधिगे मूनली चीदत नींगा बिस्सिन कमिया को पे तल्दी नींगे बिंजा चाड़े मनो। तो अब वहीं पे सय महली लवनेस तिरकी जी बैठे हुए थे, तो वह उस लड़की को बताते हैं कि होटल नू मंडी उंडका संजगिन मलनोडनर। तो उनको बता रहे हैं कि होटल में जब हम लोग कुछ खाते हैं तो उसको हम लोग खुद से नहीं धोते हैं, और क्यों नहीं धोते हैं उसके बारे में भी बता रहे हैं। वो बता रहे हैं कि हम लोग इसीलिए नहीं धोते हैं क्योंकि हम लोग उसका दाम दिए हुए हैं, मूल्य चीदत, मतलब जो भी हम लोग खाना खाए उसका हम लोग कीमत चुकाए हैं, इसीलिए हम लोग खाया हुआ प्लेट सबको नहीं धोते हैं। तो अब वो काम करने के लिए जा रही थी, इसको देख के महली लिग्नस तिरकी जी को लगता है कि वो बहुत ही कमियां लड़की है, इसीलिए वो उनसे पूछते हैं नींगा बिस्सिन कमियां को कोई तल दी नहीं है बिंजा में चाड़े मनो। तो बोल रहे हैं कि तुम तो बहुत कमियां लड़की लग रही हो, तुम्हारा शादी बहुत जल्दी हो जाएगा। तो ये एक चुटकुल्ला टाइप का है ना, इसमें थोड़ा सा हंसी भी आ सकता है आप लोगों को सुन के, लेकिन वो अपना रियल लाइफ एक्सपीरियंस जो है वो बता रहे हैं चुटकुल्ला के माध्यम से। ऐसा होता था भी होगा है ना, बहुत बार जब पहली बार कोई गाँव से शहर में गया है तो उनको नहीं पता रहता है कि किस तरह से शहर का नियम कानून है या फिर किस तरह का होटल में खाते हैं। मतलब ये बहुत पहले का बात है, अपने ज़माने का बात बता रहे हैं। तो उस समय लोग शहर वगैरह नहीं भी देखे थे, तो फर्स्ट टाइम जाते हैं तो इस टाइप का सिचुएशन होता है। अब तो सब लोगों को पता होता है कि किस तरह से कहाँ पे जाके किस तरह से रहना है, क्योंकि हम लोग टीवी में भी देखते हैं, मोबाइल अब आ गया है तो मोबाइल में हर चीज़ देखते हैं। तो कहीं भी जाके इस तरह का स्थिति नहीं होगा, लेकिन पहले के ज़माने में इस तरह का स्थिति होता था। पिल्लर होटल थी उरखर काला हेलरन। अब ठीक है, फिर वो लोग खाना वाना खाई, पैसा दी, उसके बाद वहां से जाने लगी। कानूम कानूम अबड़ा पिल्लर कच नखरा लगियर निंगन गा पत्तारस को आऊंगे अन्य बाल गियस। तो अब वो लोग दोस्त लोग थी, लड़की लोग बहुत सारी लड़की लोग थी, तो आपस में वो लोग बात कर रही है, आपस में बात कर रही है, कच नखरा लगियर निंगन पत्तारस को आऊंगे अन्य बाल गियस। तो अब जिस लड़की से महली लवनेस तिरकी जी बात किए थे उस लड़की को उसकी दोस्त लोग चिढ़ा रही है, बोल रही है कि तुमको तो ये पसंद कर लिया इसीलिए ऐसा पूछ रहा था, शादी के बारे में पूछ रहा था और बहुत कमियां हो ऐसे बोल के पूछ रहा था, बोल के वो लोग उसको चिढ़ाने लगती हैं। अब चिढ़ा रही है तो उसको शर्म आता है, तो शर्म आता है तो वो क्या बोलती है, लज्जे थी आओ आ पिल्लो बचा छी को नींद गा इंदर इंदर बादी एन बॉय होले एन निंग संगे माल का लोन। तो अब उसको शर्म आ रहा है और शर्माते शर्माते बोल रही है छी को नींद गा इंदर इंदर बादी, तुम तो क्या क्या बोलती रहती हो, तुम लोग ऐसे बोलोगी तो हम तुम लोगों के साथ नहीं जाएंगे, बोलती है। मूंदता पिल्लो फिन बाचा कलयंती को आ जोखा जोखा सिनु बेंजर के निंगन का पत्ता रस दिन राधस नीन हूँ पत्तार की का जिया ओला ती का खुशमारा लग दी हूँ तंग। तो अब उन्हीं में से जो लड़की थी उनमें से एक लड़की उसको बोलती है अच्छा तो जाओ तब तुम उसी लड़के के साथ जाओ शादी करना, तुमको तो पसंद भी कर लिया और तुम भी उसको पसंद की होगी, अंदर अंदर से तो तुम खुश हो रही होगी, ऐसे उसको बोलती है, उसको बोलती है ना, क्योंकि वो बोलती है कि तुम लोगों के साथ नहीं जाएंगे। तो उसका जवाब में वो लोग मजाक कर रही है और ऐसा बोलती है इंदिर ननो हती खेस खेसना संगम खेरा। तो अब क्या करेगी वो, अब उन्हीं के साथ चली गई हंसी मजाक करते करते, अब उसको चिढ़ा रही है फिर भी। अब यहाँ पे देखिए कब का बात है वो पता चलेगा है ना, 1954 का बात है, 1954 चांद तक कत्था तली। अब वो फिर से एक किस्सा सुना रहे हैं, इसमें दो तीन ऐसे ही किस्सा है, चार पांच किस्सा है और यही किस्सा से ही कहानी बना हुआ है। तो आखा बल्ला एन एकाम बेसे दिल्ली अड़स्कन। तो अब वो दिल्ली पहुंच गए, ठीक है, किसी तरह से रास्ता ढूंढते ढूंढते इधर उधर बिड़ाते बुड़ाते वो दिल्ली पहुंच चुके हैं 1954 का बाद। डहरे नू ओकोडोड़ो मना लक्कन, ओकोडोड़ो यानी कि वो ठीक से कंफर्टेबल नहीं थे, मतलब फर्स्ट टाइम दिल्ली गए हैं, रास्ता वगैरह भी नहीं पता है, वहां का रहन सहन नहीं पता है, तो थोड़ा सा अजीब टाइप का लगता है ना, तो उसी तरह से वो वहां पे उनको महसूस हो रहा था। खुड़ती लोहाड़ी मलपूर्णती एंगा इन्ने गच्छा राजी बरना मंजा। तो अब वो बोल रहे हैं कि खुड़ती खुड़ती लोहाड़ी यानी कि खाना खाने के लिए, दोपहर का खाना, शाम का खाना, रात का खाना, सुबह का खाना, तो खाना पीना नहीं पूर्ण के कारण उनको दिल्ली
जाना पड़ा, कमाने के लिए जाना पड़ा। उनका यही कहना है कि वो कमाने के लिए उनको दिल्ली जाना पड़ा, इतना दूर अपना घर बार को छोड़ के। दिल्ली नू चिन्हा रालर रहचर आऊंगे डेरा खखरा गिरा। तो पहले से भी कुछ लोग वहाँ पे दिल्ली गए हुए थे जो कि राइटर के जान पहचान के लोग थे, तो इसी कारण से उनको डेरा खोजने में ज़्यादा दिक्कत नहीं हुआ और उनको डेरा आसानी से मिल गया। और वही चीज़ को वो बता रहे हैं, दिल्ली नू चिन्हा रालर रहचर, यानी कि उनके जान पहचान के लोग थे, आऊंगे डेरा खखरा गिरा, इसीलिए उसको आसानी से डेरा मिल गया। पन्हा चिरुन इंधन बादन, तो उनको जो लोग भी डेरा दिए थे और मेहमान रखे थे, अगर एक दो दिन तक उनको जब तक डेरा नहीं मिला था तो उनको पन्हा दिए, यानी कि जगह दिए रहने के लिए मेहमान की तरह, तो उनको वो धन्यवाद बोल रहे हैं। जो उल्ला फोखा एंग नलक लग गया केरा, तो थोड़े दिन के बाद, जोक मतलब थोड़ा होता है, तो कुछ दिनों के बाद उनका काम भी लग गया कहीं पे। नलक धरज का मूंद चान फोखा अयंग बंग भाई बहारिन भाई बहनरिन अरा पद्दा फिप्पा दा भयोरिन एरा तुकना एड़पा छुट्टी किरकन। तो अब एक साल बीत गया है ना काम पकड़े हुए, उनका जो काम मिला था तो काम करते करते एक साल बीत गया, तो अब उनको अपना घर के लोगों का याद आने लगा, भाई बहन को देखने का मन करने लगा, अपने लोगों को देखने का मन करने लगा, तो वो गांव वापस आते हैं, अपने घर वापस आते हैं। चांद मतलब साल होता है ना, ये नया शब्द है तो आप लोग इसको सीख सकते हैं। तो छुट्टी लेके वो गांव चले गए। एंगन एरर इंग्यो हर एंग दस बरचस बार चुनाती चुमका टाटा खेल रहा हेडन उड़िया रातुंदिया एडपा हेदनता आलरिन हूँ ओनागे एड्डा तनिक निशा अर गया सुगा मैना वैसे चेरे बेरे मना हेलर रिच थी डेगातों का पाड़ा बेचा हेलर। तो अब आप लोग देखे होंगे कि जब भी कोई लोग बाहर कमाने जाते हैं और कमा के जब घर वापस आते हैं तो उनका पैर धोया जाता है, और आमतौर पे सारे लोग वहाँ पे गांव के जो लोग हैं आस पड़ोस के लोग हैं एक जगह जमा होते हैं, उनके घर में आते हैं, खाने पीने का चलता है, ठीक है, थोड़ा पार्टी जैसा माहौल बनता है, आदमी नाचते गाते हैं, तो उसी तरह का माहौल यहाँ पे बना है ना। उनकी माँ बहुत खुश हुई उनको देख के और उनको बहुत प्यार की, उन खिड्डे नूड़िया यानी कि पैर धोई और तुंदिया फिर ढाल दी पानी को, और एड़पा हेदनता आलर हूँ ओनागे एड्डा, और जो भी उनके घर के आसपास के लोग थे उनको खाने पे बुलाई। एड्डा मतलब इनवाइट करना, ठीक है। तनिक निशा अर्गिया सुगा मैना वैसे चेहरे मेरे मैना हल रहा, तो जितने भी लोग आए थे थोड़ा सा अब खाना पीना हुआ तो नशा भी चढ़ा, तो फिर नशा चढ़ा तो सुगा मैना जैसा वो लोग थोड़ा गाना बजाना हुआ उनका, और रिज थी डिगातों का यानी कि रिज से खुशी से वो लोग नाचे गाए पाड़ा बेचा हिल रहा, पाड़ा मतलब गाना और बेचा मतलब नाचना, तो पाड़ा बेचा हिल रहा नाच गाना हुआ। अयंग बंग सटपट कन्या बेदर, तो अब उनका बेटा का भाई काम लग गया है, काम करके आया है एक साल के बाद, तो उनके माता पिता जल्दी से उसके लिए दुल्हन ढूंढ के उनका शादी करवाना चाह रहे थे, है ना, और शादी करवा भी दिए। अयंग बंग सटपट कन्या बेदर जल्दी से दुल्हन ढूंढा, कन्या मतलब दुल्हन। कत्था बंचा की एंगा दिल्ली किरना थी मूंदेम एंगन बिंजर चिच्चर, और उनके दिल्ली जाने से पहले यानी कि राइटर के दिल्ली वापस लौटने से पहले उनका शादी भी तुरंत कर दिया गया। कत्था पंचा की एंगा दिल्ली किरना थी मूंदेम एंगन बिंजर चिच्चर, तुरंत सा बात चला और उनका उसी छुट्टी में शादी भी करा दिया गया। दिल्ली किर्रो बिरी खाइन हूँ उन्दुरनुम बर्चकन, तो जब वो दिल्ली वापस जा रहे थे काम करने के लिए तो अपने वाइफ को भी साथ में लेते जाते हैं, खाइन मतलब पत्नी वाइफ है ना, तो दिल्ली किरो बिरी खाइन हूँ उन्दुरनुम बर्चकन, तो वो बता रहे हैं कि जब वो दिल्ली वापस जा रहे थे तो अपनी वाइफ को भी वो साथ साथ लेके दिल्ली गए। दिल्ली एरा तुपना ती आयोन बरा आयोन अरा बाबा सिंह हूँ संगम दिल्ली उन्दुरनुम बर्चकन। अब उनके माता पिता को भी दिल्ली देखने का काफी मन था, तो इसीलिए राइटर अपने माँ और बाबा को भी साथ साथ दिल्ली ले जाते हैं घुमाने के लिए। आयो नारा बाबा सिंह यानी कि माँ और बाबा को वो साथ साथ दिल्ली ले जाते हैं घुमाने के लिए। उन्दुल ऑफिस नु नलक बग्गे रहचा एड़पा किर्रागे दिल्ली दिरी मंजा,
एक दिन उनका ऑफिस में बहुत ही ज्यादा काम था, उन्दुल ऑफिस नो नलक बग्गे राजा, यानी कि उनका ऑफिस में बहुत ही ज्यादा काम था, इसीलिए एड़पा किर्रागे दिरी मंजा, तो इसीलिए उनको घर वापस लौटने में थोड़ा सा लेट हो गया। जोक धुंधुर धुंधकर मंजा के रंग, और थोड़ा थोड़ा धुंधुर भी हो गया, शाम हो गया, रात हो गया। एड़पा अड़सर एरदन का बिल्ली हूँ मल्ला दक्ष का, घुट घुट ऊफा नो रानर। जब वो घर वापस जाते हैं तो क्या देखते हैं कि बिल्ली हूँ मल्ला दक्ष का, यानी कि घर में लाइट भी नहीं जलाया गया है, घुट घुट ऊफा नो रानर, यानी कि एकदम सब लोग अंधेरा में बैठे हुए हैं। एनमेंजकन इंदिर ना अंति बिल्ली मल दगदर, तो अब वो पूछ रहे हैं अपने घर वालों से, उनकी बीवी है घर में, उनके माता पिता हैं, तो उनसे पूछ रहे हैं कि अच्छा तो आप लोग आखिर में लाइट क्यों नहीं जलाए हो, बिल्ली मलदक दर क्यों अभी तक लाइट नहीं जला रहे हो। इंग्यो वाचा खाई दगा लग गया जुनू अखदोए गोटांग सलाई खटिन छोर्रे नर दगा चिड़िया पहे मन लग रहा इसु मुंजरा के रखा एका से। तब उनकी माँ जवाब दे रही है, इंग्यो वाचा यानी कि वो बता रहे हैं कि उसकी माँ बता रही है कि खाई दगा लग गया जुनू, यानी कि जो उनकी बीवी थी खाई वो दाग रही थी जो उन बोल के बता रही है, पूरा एकदम माचिस मार मार के परेशान हो गई, लेकिन लाइट तो जला ही नहीं, वो बता रही है लाइट तो जला ही नहीं, बोल रही है कि क्या पता इसमें का तेल खत्म हो गया हो, ऐसे वो बोल रही है। आंख दोए गोटांग सलाई कटिन छोर ननर दगा सीरिया पहन मल लग रहा, यहाँ पे आंख दोए यानी कि आठ दस सलाई को जला के खत्म कर दी, फिर भी आंख मतलब आठ दोए मतलब दस। आर घी बोक्का नलखन अक्कन किरकन, अब वो बोल रहे हैं कि उन लोगों का बुड़बकी को हम जान गए। ऐसा क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि दिल्ली में तो बिजली था, अब बिजली था तो बल्ब जलेगा वहां पे, और बल्ब स्विच से जलता है, और वो लोग सलाई से उसको जलाने की कोशिश कर रहे थे तो कैसे जलेगा, तो इसीलिए वो बोल रहे हैं कि इन लोगों का बुड़बकी को हम समझ गए। एंघाए बिजली बिल्ली दगनन मल तिहा नंजकर रहचर होते, तो बता रहे हैं कि मेरा लाइट जलाना को कैसे हम जलाते हैं उसको शायद वो लोग देखा नहीं था, इसीलिए जलाने नहीं जाना था। तो ये भी एक चुटकुल्ला टाइप का है, तो इसी तरह से किस्सा बता रहे हैं राइटर। एंगा गे मेरसो नना तुक्या, तो अब बोल रहे हैं कि हमको थोड़ा सा मजाक करने का मन किया, मेरसो मतलब मजाक। एन बाजकन एका से दगदर दरा मन लग रही का, तो बोल रहे हैं कि अब उनसे वो पूछ रहे हैं कि कैसे दाग रहे थे कि नहीं जल रहा था, अक्कुन दगा चेहरा तो बोल रहे हैं कि अभी दाग के देखो तो जलता है कि नहीं। एन एरदन एका से मर लग रही, तो बोल रहे हैं कि कैसे नहीं जलता है, हम थोड़ा देखते हैं। इंग्यो तंग खेड़ोन मीखिया अनय कोई सलई उन्दराय की बराय बिल्ली दगा बा लग दस दे एंघाय मुक्का सलई उन्दरा, तो अब उसकी माँ राइटर की माँ राइटर की बीवी को बुलाती है, अरे आओ तो सलाई लेके आओ, देखो तो लाइट जलाने के लिए बोल रहा है। तो उसकी जो बहू थी यानी कि राइटर की माँ की बहू यानी कि राइटर की बीवी, वो सलाई लेके आती है। मंचिन उन्दरा यानी कि माचिस को लेके आती है। मैया अर्गिया अब ऊपर चढ़ती है। सलाइन छुर्रे ने दगचा बल्ब हिद्य उच्चा अन्नु मन लग रहा, अब राइटर तो मजाक कर रहे हैं, तो उसकी वाइफ सलाई को दागती है, ऊपर चढ़ती है, उसके बाद फिर से बल्ब में ऐसे करके जलाने का कोशिश करती है, फिर से नहीं जला। इन छुर्रे ने दगचा कि बल्ब हिद्य अड़स्ताचा, अब दोबारा वो फिर से सलाई को जलाती है और फिर से बल्ब के पास ले जाती है। हाँ बिरिन एन बिजली बटनन चिपचकन चिचकन, और उसी समय राइटर क्या करते हैं कि स्विच को दबा देते हैं। खन्ने बिल्ली लघरा गिरा, तो उस समय फिर खन्ने बिल्ली लघरा गिरा, और उसी समय जब स्विच दबाए तो फिर बिजली का लाइट जो है बल्ब जो है वो जल जाता है। एन बाजकन एरा तो अक्कुने कस लग रहा, तो अब वो बोलते हैं देखो अभी कैसे जल गया, बोल के अपना वाइफ को बोल रहे हैं और अपने घर वालों को भी बोल रहे हैं। नींद दगाम बल्ला लक्की होते, तो अब उनको फिर डांटने जैसा बोल रहे हैं कि तुम तो जलाने ही नहीं जान रही थी होगी। एंघा मुक्का बाचा, तो उसकी वाइफ रिप्लाई देती है एमन का पुरहेम बोका वैसे बादस इंदिर का एन पद्दा ता डिबरी मल दगचकन रदन दरा बल्लोन,
तो अब वो बोल रही है कि हमको तो एकदम बुड़बके समझता है ये आदमी, क्या हम कभी गांव में डिगरी नहीं जलाए हैं जो जलाने नहीं जानेंगे। तान आधा आसन इंद्र नंचकस रहचस आओगे मन लगरा गया। तो अब वो देख लेती है कि वो वहां पे कुछ दबाया है, तो बोलती है कि वहां पे वो कुछ किया था इसीलिए नहीं जल रहा था। अक्कुन उजगो नंजस फने लग रहा, तो बोलती है कि अभी उसको सीधा किया ठीक किया तो अभी जला। बगैर उजगो ननम नींद दगा चेहरा तो लगरी का, अब उसे को बोल रही है कि बिना उसको सीधा किए हुए तुम जला के दिखाओ तो जलता है कि। वो समझ जाती है, देख लेती है और समझ जाती है कि वहां पे उसको दबाने से ही वो जलेगा। तो ये किस्सा खत्म हो गया। अब आगे और एक किस्सा है, ओन उल्लाता कत्था तली उनटा मुचिस निकिम जूता चप्पल कमतोर बार की मूची आया बानू डहरे डहरे काला लगियस। तो अब मोची जो था चप्पल जूता बनाने के लिए वहां का दिल्ली का गली से घूमता था, वहां पे मोची आया बोल के चिल्लाता था। तो आस गई बाना कत्था इंग्यो गे मुच्चिया बाना वैसे मिंद्रा। तो अब राइटर को जी माप थी, वो तो कुड़ुक भाषा जानती थी, हिंदी नहीं जानती थी, तो उनको क्या समझ में आया, उनको सुनाई दिया मुच्चिया बोल रहा है, तो उनको समझ में आ रहा है मुच्चिया यानी कि बंद किया है ना। आ बेड़ा नुम एम है एड़पा हिदिनता मुक्का टंगा चाली बलिन एरर बलिन मुच्चिया की एड़पा कुर्चा। और जब मोची आया बोल रहा था मोची वाला, तो उसी समय वहां पे उनके पड़ोस की एक औरत झाड़ू लगाती है आंगन को, और झाड़ू लगाने के बाद अपना दरवाजा को बंद कर देती है। अदिन इंग्यो फिर यादरा इंगन मिंजा, अब उसको देखती है उसकी माँ और उनको क्या लग रहा है कि वो दरवाजा बंद की, तो उसी को वो जो आदमी आया था चप्पल जूता बनाने के लिए वो मुच्चिया बोल के बता रहा है। अब वो राइटर को बोल रही है अना बाबू इतना तर हूँ निम है थोड़ू कखनर। तो अब उनकी माँ को क्या लग रहा है, उनको लग रहा है कि ये जो आदमी आया है चिल्ला रहा है वो भी खुड़ुक जानता है। तो उनको बोलती अरे बाबू इधर का आदमी लोग भी खुड़ुक जानता है क्या, इन बाचकन इतरतर खुड़ुकन इंद्र अखोर इतरता इतरतर खुड़ुकन इंद्र अखोर का आयो इतरा का निधि हिंदी कचना करनर। तो बता रहे हैं कि इधर का आदमी लोग कुड़ुक कैसे जानेगा माँ, इधर का आदमी लोग तो सिर्फ हिंदी बोलता है यानी इंग्यो बाचा अदाजे और तस इधिस्ता मुक्का तम है बलिन मुच्चिया यानी मुच्चिया बानुम आहे अत्रा के रस। तो बता रही कि अच्छा नहीं जानता है, तो फिर वो एक ठो आदमी आ रहा था वो एक औरत को देखा कि वो अपना दरवाजे को बंद की और उसको देख के मुच्चिया बोल के बता रहा था। तो अब उसकी माँ कंफ्यूज हो गई कि कुड़ुक नहीं जानता है तो मुच्चिया बोल के कैसे बता रहा था। अने एन इंग्योन तिंकन, अब वो अपनी माँ को बताता है राइटर कि आसगा मुचिस रहचास जूता का मोस निकिम कमतोर बार तंग है वर्चकन तिंगनुम काला लगियस। तो अब उनको समझाता है कि ऐसा नहीं है, वो जूता चप्पल बनाने वाला आदमी है और उसको मोची बोला जाता है, वो मोची था और कोई भी जूता चप्पल बनाएगा बोल के वो चिल्लाते हुए आता है ताकि सबको पता चले कि मोची आ गया है और किसी को भी जूता चप्पल बनाना है तो लोग आके बना लेगा। उर्मी उल्लाता बेसम चौकीदारस नितकी माखा बेड़ा उद्दा कुद्दा बेड़ा सिटी पूरा आरा फेखलन टप टिप पसा लगियस दरा तंग है नलखन नना लगियस। तो अब वो पिछला वाला किस्सा खत्म हो गया, अब एक दूसरा किस्सा आ रहा है। तो उर्मी उल्लाता बेसम चौकीदारस नितकी माखा बेड़ा कुद्दा कुद्दा बेड़ा बेड़ा सिटी उरा अरा हेगलन टप टिप पसा लगियस दरा तंग है नलखन नना लगियस। तो अब बता रहे हैं कि हर रात को नित की माखा मतलब प्रत्येक रात, नित्की माखा मतलब प्रत्येक रात, नित्की बोल रहे हैं मतलब प्रत्येक यानी कि हर दिन का वो बात बोल रहा है या हर समय का वो बात बता रहा है। तो प्रत्येक रात को पूरा गली में चौकीदार घूमता था और घूम घूम के टप टिप डंडा से ऐसे बजाता था, अब सारा तरफ अपना मतलब वो चौकीदार लोग वैसे ही ड्यूटी करता है कि सबको पता चले कि वो वहाँ पे है तो कोई भी चोरी चपाटी करने के लिए ना, थोड़ा बहुत आवाज वगैरह भी निकालता है। उनके पास एक सीटी था तो सीटी बजाता था और ऐसे टप टिप करके मारता था जमीन को। अदिन एम्बस नितकी माखा सरखा लगियस, तो अब उनके पिताजी थे राइटर के, वो डेली उनको सरखा रहे थे मतलब ध्यान दे रहे थे कि
टपटी का आवाज़ सुनाई देता है, सिटी बजाने का आवाज़ सुनाई देता है, उसको एकदम ध्यान से वो सरखा रहे थे। एम बस भुखा लग गया इसका, माखा माखा दरहानात बरी। अब उनके पिताजी को ये नहीं पता था कि वहाँ पे चौकीदार आता है, तो उनको लगता है कि कहीं कुछ भूत तो नहीं आया है, तो उनको लगता है कुछ भूत है और ऐसा सीटी बजाता है और ऐसा टप टिप आवाज़ करता है। उन लोग एम बस गए माल सहारा। अब वो हर रात को, प्रत्येक रात को एकदम ध्यान से सुनते थे और अपने तक ही रखे थे, लेकिन एक दिन उनको नहीं सहाता है और वो फिर बताते हैं, तंग है जियन बढ़िया नर ढाबा तरा उरखर दरहन एरा विद्यस एरा विद्यस। तो अब एक दिन बड़े मुश्किल से अपना मन को मजबूत करके निडर होके किसी तरह से खिड़की से देखने का कोशिश करता है कि ये है क्या चीज़, क्योंकि उनको तो लग रहा है कि भूत है। अब भूत है तो फिर वो डरेंगे भी, डर के मारे वो बाहर नहीं निकल रहे थे, लेकिन किसी तरह से उस दिन देखने का प्रयास करते हैं। बाहरी ऊखा राचा आओगे ठोकम उल्ला सेरा। तो बाहर में पूरा अंधेरा था, इसी कारण वो देख नहीं पाए कि बाहर में क्या था। बिजिया हने एंगन मिंजस। सुबह हुआ तो अपने बेटा से पूछ रहे हैं, आना बेटा इतना हूँ दरा नाद रही। तो उनको बोल रहे हैं, अच्छा बेटा इधर भी नाद भूत रहता है क्या? रोज माखा माखा बरी कि इबला नू कुद्दा कुद्दा सिटिन उरी करा हेलन टप टिप नपसी। तो उनको पूछ रहे हैं कि रोज रात रात को इधर आता है और सिटी बजाता है घूम घूम के और टप टिप आवाज करता है। एन एम्बा सिन थिंकन दरहा मल्ली बा हो चौकीदार अस्तलदास। तो उनको बताते हैं कि अरे ये सब नादभूत नहीं है, वो चौकीदार है और वो अपना ड्यूटी करता है। इबलाता एडपन माहा माहा खापतस। चौकीदारी करता है और पूरा सारा यहाँ पे जितना भी घर है उनका पहरेदारी करता है, बोल के उनको बताते हैं। तो ये किस्सा खत्म हो गया। अब एक और किस्सा है, ओन चंदो मंजका होखा इंग है संगेस झिरगस एम है एड़पा वर्चस की मिंजस। अयंग बंगन दिल्ली शहर एदागे एकाम तरा उचका कमला कुतुब मीनार एदोए ची ओए पहें एड़पा नू हुरा रा उचका लगे होते। तो अब एक महीना बीत गया, उनके माता पिता का दिल्ली गए हुए। ओन चंदो मंजा मंजका होगा, यानी कि ओन चंदो मतलब चंदो का मतलब एक महीना, तो एक महीना हो गया ओन चंदो मतलब एक महीना। तो जब एक महीना बीत गया तो उनका दोस्त उनके घर पे आता है। उनका दोस्त का नाम क्या है? झिरगस। ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, है ना, उनके दोस्त का नाम झिरगा है। तो झिरगा उनके घर आए और फिर पूछते हैं, अयंग बंगन दिल्ली शहर एदागे एकांतरा हो चुका कमला। तो उनको पूछ रहे हैं कि माता पिता को कहीं पे घूमने के लिए दिल्ली में लेके गए कि नहीं, कुतुब मीनार दिखाते जुन वहाँ पे, यहाँ पे घर में भी रह रहे कि इसको अनसा लग रहा होगा, बोल के वो बोलते हैं। एन बाचकन, अब वो उनको रिप्लाई देते हैं, बेड़ा मल खरना कि एक तरह हूँ मल्ला उचका नीन ओंगदय होले एरा नीन नेला कुत्ता चिया। तो उनको बोल रहे हैं उनके दोस्तों कि अरे हमको तो टाइम ही नहीं मिलता है, देखो अगर तुमको टाइम मिले तो ले जाओ कल घुमा देना, बोल के वो बोलते हैं। तो झिरगस बाचस नीन इदी गे अम्बा अम्बा का नेला एन कुत्तों चियों। तो उनको बोलते हैं अपने दोस्त को झिरगा, यानी कि राइटर को बोलते हैं, इसके लिए टेंशन मत लो, हम कल इनको घुमा देंगे पूरा, बोल रहे हैं। मुद्दा उडर हरदोम की बरोम अधिगे उनटा रा लगो नन्ना उल्ला झिरगस पैरिम बरचस आयोन अरा बाबा सिंह दिल्ली शहर एदा होचस। तो अब वो अग्री करते हैं उनके दोस्त की, हम तुम्हारे माता पिता को घुमा देंगे लेकिन उसके लिए पार्टी देना पड़ेगा, है ना, रा लगो। तो अब वो दूसरे दिन एकदम सुबह सुबह पहुंच जाते हैं और माता पिता को ले जाके घूमने के लिए दिल्ली में ले जाते हैं। झिरगस कुतुब मीनार इंडिया गेट बेल एड़पा अरा एम्बा एम्बेसी एड़पा गुठिन एचस। तो झिरगा कहाँ कहाँ ले गया, यह इंपॉर्टेंट है ना, कुतुब मीनार ले गया, इंडिया गेट ले गया, बेल एड़पा यानी कि राष्ट्रपति भवन ले गया, एम्बेसी यानी कि जो दूसरे देश के दूसरे देश का यहाँ पे जो ऑफिस होता है उसको एम्बेसी बोलते हैं, यानी कि दूसरे देश के जो भी लोग आते हैं इंडिया में उनको मैनेज करने के लिए एम्बेसी होता है। यहाँ इंडिया का एम्बेसी भी हर एक देश में होता है तो उसको एम्बेसी बोलते हैं। तो एम्बेसी के पास भी ले गया, अब एम्बेसी ले गया है तो वहाँ पे बहुत सारा देश का एम्बेसी होगा, है ना, जैसे कि नेपाल का हो गया, पाकिस्तान का हो गया, अफगानिस्तान का हो गया, अमेरिका का हो गया, कनाडा का हो गया, तो वहाँ पे बहुत सारा सारे देश का एम्बेसी होगा। कुत्या खाने रिपा करियर,
तो ये सी हम डिटेल में इसीलिए बता रहे थे क्योंकि इसी ये किस्सा इसी से रिलेटेड है। तो पुत्या खाने एड़पा किर। अब शाम हो गया तो सब कोई घर वापस आ गया। उनका मोखा खोखा झिरगस तंगा एड़पा किर्रस। तो अब खाना पीना हो गया उन्हीं के घर में और खा पी के झिरगा अपना घर वापस लौट गया। आ खोखा इंग्यो आ लगी। जब झिरगा वापस चला गया तो फिर वो अपने बेटे को बता रही है, खाना बेटा झिरगा अगर इमदा उरुब्रानर। तो उनको उसको पूछ रही है राइटर को, अच्छा बेटा ये झिरगा लोग कितना अमीर है। उद्दो बिरी एंदर वैसे अड्डा ही नामे तिंगियस अबड़न ता हुरमी एड़पन एम्बसी दरा एम्बसी एड़पा बार तिंगदस। तो बोल रही है कि जब घुमाते घुमाते हम लोगों को एक जगह ले गया, वो जगह क्या था वो तो हमको याद नहीं है, लेकिन वहाँ पे जितना भी घर था सबको एम्बसी एम्बसी एड़पा बालगियस बोल के बता रही है। अब कुड़ुक में एम्बसी मतलब क्या हो गया कि मेरा बाप का घर है। तो उनकी माँ को लगा कि इतना सारा जो घर है वो झिरगा का बाप का घर है। तो यही यहाँ पे चुटकुला है। तो अपना बेटा को बता रही है कि इतना अमीर है, इतना सारा घर है, सबको जितना भी घर था सबको एम्बसी एम्बसी एड़पा बोल के बता रहा था बोल के वो बताती है। एड़पा का अंगल बिंगल रहचा वह अम ओनागे हूँ मल मंखियस। तो वो बोल रही है कि घर तो इतना बड़ा बड़ा था, बहुत अच्छा था, अंगल बिंगल बहुत अच्छा था, लेकिन पानी पिलाने के लिए भी नहीं घुसाया बोल रही है। अन्य मिनर एम्बस हूँ बाचस। अब इस बात को सुन के राइटर का बाप भी बोलता है, एन हूँ जिया जिया नु बालिकन का उन्टो उन्टे के एड़पा नु मंखोस होते वह उन्टा हूँ एड़पा नु माल मंखियस। उसका पिताजी भी बोल रहे हैं कि हम भी मन मन में सोच रहे थे कि इतना सारा घर है, किसी एक घर में तो थोड़ा सा घुसा के बैठा के खाना पीना खिलाता, लेकिन किसी भी घर में नहीं घुसाया अपना, ऐसा करके वो बोल रहा है। तो अब राइटर बोलते हैं, एन्ने कथन मिनर एन तिंकन। अब समझ में आ गया राइटर को क्या मामला है। अब बड़ा एड़पा तंबस गही एड़पा माल रहचा आतगा विदेश ता राजदूत गही राना एड़पा तली। अबड़ा एड़पन अंग्रेजी थी एम्बेसी सी एड़पा बानर। तो फिर वो बता रहे हैं कि वो सब घर जो था उसका बाप का घर नहीं था, वो सब राजदूत का घर था। राजदूत यानी कि वही जो विदेश का यहाँ पे ऑफिस होता है और अपने देश के लोगों को मैनेज करने के लिए ऑफिस होता है, तो उसको अंग्रेजी से एम्बेसी बोला जाता है बोल के बता रहे हैं। हने इंगियो एम्बर गुजरा। तब उनके माता पिता को बात समझ में आया। इंगियो बाचा ओ कच कच पूरे मलूर मलका हूँ मलकोड़े एम है कथन नेकन हूँ अमके तेंगा फॉर्मर लज्जे कन अलखोर। तो बोलती है अच्छा ये तो बड़ा दिक्कत का बात है, लूर नहीं रहना भी बहुत दिक्कत का बात है, ये सब बात को किसी को मत बताना क्योंकि कोई सुन लेंगे तो हंसेंगे। तो आज का कहानी यहीं तक है। आप लोग कमेंट करके बताइए, अगर क्वेश्चन आंसर बनाने के लिए बोलेंगे तो हम क्वेश्चन आंसर भी बना देंगे। और अगर आप लोगों को ये कहानी अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी इस वीडियो का लाभ मिले। और आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, आगे के वीडियो में क्या चाहिए कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।